वेलकम टू ग्लैम्बल टॉक्स। मुनव्वर फारूकी ने अपना नया गाना डार्क सर्कल्स रिलीज कर दिया है। ये गाना मुनव्वर फारूकी ने अपने सेकेंडरी चैनल मुनव्वर फारूकी 2.0 पर रिलीज किया है, जिसपे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ना कि अपने प्राइमरी चैनल जिसपे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इससे ये बात तो पता चल जाता है कि मुनव्वर फारूकी इस गाने को व्यूज के लिए रिलीज नहीं कर रहा है। बचपन में अगर आपने हिंदी पढ़ा होगा तो हिंदी में एक क्वेश्चन आता था, सप्रसंग व्याख्या करें, जिसमें कि कुछ लाइंस लिखे होते थे और उसका सप्रसंग व्याख्या करना होता था। आज हम इस गाने को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इसकी लाइन बाय लाइन सप्रसंग व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब बिना टाइम गवाए हुए गाने को सुनते हैं। मैं फरेब से फरेब कर लूं, तेरे बाद खुद को कैद कर लूं, तुझे भी इश्क था मेरी इस लिखाई से क्या खूबी को अब मैं अब कर लूं। फर्स्ट लाइन से ही मुनव्वर क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि सवाल वो किसी और से नहीं बल्कि खुद से कर रहा है। यहाँ पर मुनव्वर फारूकी अपने एक्स के बारे में बात कर रहा है, जिसको वो फरेब कह रहा है, और पूछ रहा है कि क्या जो लड़की एक फरेब है, क्या मैं भी उसके साथ फरेब कर लूं? जैसे उसका प्यार झूठा है, क्या वो भी झूठा ये प्रिटेंड कर ले कि उसको सामने वाले के फरेब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसका हार्ट ब्रेक नहीं होता उसके फरेब से। इसके आगे मुनव्वर कहता है कि तुझे भी इस था मेरी लिखाई से, मतलब कि स्टार्टिंग में मुनव्वर फारूकी की लिखाई की ये लड़की जो जिसके बारे में भी मुनव्वर बात कर रहा है वो भी उसकी फैन रही होगी, और फिर बाद में मुनव्वर फारूकी की लिखाई पोएट्री और शायरी से ही इसको प्रॉब्लम होने लगी होगी। उसके बाद मुनव्वर फारूकी फिर से एक सवाल करता है कि क्या इस खूबी को मैं ऐब में कन्वर्ट कर दूं, क्या ये जो इसकी एक गिफ्ट है गॉड की तरफ से जो गिफ्ट मिला हुआ है लिखने का, पोएट्री का, शायरी का, क्या आप उसको ये एक कर्ज समझने लगे? अगर ऊपर वाले ने मुनव्वर फारूकी को एक गिफ्ट दिया है तो क्या इस लड़की के लिए मुनव्वर फारूकी को अपने गिफ्ट को अपना कर्ज समझ लेना चाहिए और इस गिफ्ट को यानी कि अपने लिखाई को छोड़ देना चाहिए? मुनव्वर फारूकी कहता है कि क्या इस खूबी को अब मैं ऐप में अपने कन्वर्ट कर लूं? आगे सुनते हैं। फिर से दामन ये सफेद कर लूं या झूठी कसमें खा के अपना पेट भर लूं। फिर से मुनव्वर फारूकी कुछ हार्ड क्वेश्चंस पूछता है। वो कह रहा है कि क्या फिर से अपना दामन सफेद कर लूं? जो मुनव्वर के दामन पर उस लड़की ने छींटे उछाले हैं, क्या वो उन सब को भूल जाए और दामन को अपना सफेद कर ले, या फिर वो झूठी कसमें खा ले और खा करके वो अपना पेट भर ले और कहे कि मैं कसम खाता हूं कि चाहे तुम जितना भी सितम मुझ पर कर लो, मेरे दिल पर कुछ भी नहीं गुजरेगा। इन लाइंस में मुनव्वर फारूकी का अनबियरेबल पेन जो है उसको हम फील कर सकते हैं। एक तरफ उसको पता है कि लड़की मुनव्वर के साथ फरेब भी कर रही है, उसके क्वालिटीज को ऐप भी कह रही है, उसके ऊपर कीचड़ भी उछाल रही है, और फिर भी वो अपने आप से लॉजिक कर रहा है कि क्या मैं अपने आप को मिटाकर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मारकर किसी भी तरह से हर हाल में इस लड़की को रोक लूं अपने पास? भाई साहब, जब आपको प्यार होता है ना तो आपको कुछ समझ नहीं आता, आप ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो आपके डिग्निटी, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के बहुत नीचे होती हैं। ऐसी हरकतें जो कि अगर आपका कोई दोस्त करे तो आप उसको कभी ज़िंदगी में ना करने दो, लेकिन जब आपके ऊपर खुद आता है तो आप वो हरकतें कर लेते हो। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान जिसने कि प्यार में धोखा खाया हो, जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहा होगा, वो इन लाइन से डेफिनेटली 100% रिलेट कर पा रहा होगा। आँखों में तेरी मुझे प्यार नहीं दिखता, क्या पता लगाने को मैं कोई इल्म गैब कर लूं। आँखों में तेरी मुझे प्यार नहीं दिखता, इन लाइंस में तो मुनव्वर ने अब डायरेक्टली बोल ही दिया कि तेरी आँखों में प्यार नहीं दिखता। मुनव्वर कैन फील इट क्लियरली कि अब उसके अंदर उसके लिए कोई प्यार नहीं है। जब आपका पार्टनर आपसे प्यार करना बंद कर देता है या फिर आपके ऊपर चीट कर रहा होता है तो उसके आँखों से आपको पता चलने लगता है। मुनव्वर को ये फील हो चुका है कि वो लड़की अब उससे प्यार नहीं करती, पर फिर भी वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता है, और उसके लिए वो फिर से एक सवाल करता है कि क्या पता लगाने को मैं इल्मे गायब कर लूँ। इल्मे गायब जो है वो एक उर्दू वर्ड है, इसका मतलब होता है कुछ तंत्र मंत्र टोटके, जादू टोना टाइप की चीज़ें कर लूँ जिससे कि उसको पता चल जाए कि ये कन्फर्म ये मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है। अंदर से उसको पता है कि वो नहीं करती, लेकिन फिर भी एक मन में डाउट रह जाता है कि क्या पता सच में अभी भी वो मुझसे प्यार करती हो। तो उसके लिए वो कह रहा है कि क्या मैं कोई इल्मे गायब कर लूँ। आप जितनी मर्जी उतनी साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले हों, लेकिन जब आपका टाइम खराब आता है तो इंसान हर चीज़ में फेथ करने लग जाता है।
जहां से उसको उम्मीद की किरण दिखती है, इंसान हर कुछ ट्राई करता है, और इसीलिए फिर मुनव्वर फारूकी ये ऐसी इल्मे गायब जैसी चीजों के बारे में बात कर रहा है। आगे सुनते हैं। क्या झूठी इस हंसी से मैं परहेज कर लूं, या मुट्ठी से नफस ले मैं वो रेत भर लूं। फिर से दो सवाल, क्या झूठी इस हंसी से मैं परहेज कर लूं? पर यहां पर मुनव्वर किसकी हंसी की बात कर रहा है? क्या मुनव्वर उस लड़की के फेक हंसी की बात कर रहा है, या फिर मुनव्वर अपने खुद की जो पेन छुपाने के लिए वो झूठा हंसता है उसकी बात कर रहा है? किसकी झूठी हंसी से परहेज करने की वो बात कर रहा है? आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, मुनव्वर करता है, या मुट्ठी से जो ना फिसले वो रेत भर लूं। इस सवाल से मुनव्वर का डायलेमा नजर आता है। क्या मुनव्वर को उस वक्त किसी उसके रिलेटिव या दोस्त ने ऐसा सजेस्ट किया था कि किसी ऐसी लड़की से शादी कर ले जो कोई जॉब नहीं करती हो, जो बिल्कुल ही तेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, ऐसी लड़की हो जो कि तेरे हाथ से मुट्ठी से ना फिसले इस तरह की रेत हो? पता नहीं, पर ये लाइन सुन के तो ऐसा ही लग रहा है। आगे सुनते हैं। रिश्ते तोड़ के जो पैसे मैंने जोड़े हैं, क्या जाते वक्त कफन में अपने जेब कर लो। दिस इज प्योर गोल्ड। ये तो हम सबको पता है ही कि जिन लड़कियों के साथ मुनव्वर फारूकी का पाला पड़ा है वो सारे फेम डिगर्स, गोल्ड डिगर्स ही रहे हैं। अब इस गाने से बहुत कुछ पता चल रहा है जो कि हमें शायद पहले नहीं पता था। रिश्ते तोड़ के जो मैंने पैसे जोड़े हैं, मतलब कि मुनव्वर फारूकी जिस फेम डिगर की बात कर रहा है वो मुनव्वर से उसके अपने रिश्तों को तुड़वा कर बस वो चाहती थी कि मुनव्वर फारूकी पैसे पे पैसा छापता रहे और उसको अपनी लाइफ की सारी लग्जरीज, फेम जो है वो मिलता रहे। इसलिए मुनव्वर फारूकी जो है ये बात कर रहा है, रिश्तों को तोड़कर पैसे मैंने जोड़े हैं, यानी कि डेफिनेटली उस लड़की के कारण मुनव्वर फारूकी के पर्सनल रिलेशनशिप जो हैं, काफ़ी सारे रिश्ते उसके अफेक्ट हुए हैं, ये तो एकदम कन्फर्म है। और इसके बाद मुनव्वर फारूकी अभी तक का सबसे बेस्ट लाइन बोलता है और कहता है कि क्या जाते वक्त कफन में अपनी जेब कर लूँ। ये कितनी सिंपल बात है, सबको पता है कि जब हम ऊपर जाएंगे तो जितने भी धन दौलत पैसे हैं आपको कोई काम नहीं आएगा, आप अपने पॉकेट में जेब में डाल के उसको नहीं लेके जाने वाले ऊपर। क्या फायदा ऐसे पैसे धन दौलत का जब आप मर रहे हो, तब आपके पास अगर चार अपने लोग पास में नहीं है तो क्या फायदा अगर आपने 400 करोड़ की प्रॉपर्टी भी बना ली अपने साथ, 400 करोड़ का अपना नेटवर्क भी कर लिया। तो पूछो हाल मेरा, मैं खराब लिख दूं, मैं कहूं हाल मेरा तो कमाल लिख दूं। वाह, अगर कोई मुनव्वर से पूछता है कि भाई क्या हाल है तो झूठ बोल देगा कि भाई एकदम मस्त हूँ। और वैसे उस तरह की अगर झूठी लिखाई उसको लिखनी हो तो वो कहता है कि ऐसी लिखाई में खराब लिखता हूँ। पर अगर वो अपना सच्चा दिल का हाल बगैर बयां करता है तो वो कहता है कि वो एकदम कमाल लिख सकता है। ये बात तो हम इस गाने में ही देख पा रहे हैं। अगर इम्तिहान है ये मेरा आखिरी तो कह दो इस बार सारे सही मैं जवाब लिख दूं। अगर ये कोई लास्ट टेस्ट है तो बता दो, मैं सारे के सारे जवाब सही लिख दूंगा। पर क्या सही जवाब सच्चे जवाब होते हैं? सोचने वाली बात है। तेरे आने पे किताब लिख दूं या जाके पूरे समंदर पे आग लिख दूं, क्या तूफान में जाके मैं चराग रख दूं या जमीन पे बैठे आसमान लिख दूं। यहाँ फिर से एक के बाद एक क्वेश्चंस और क्या ही आग लिखा है मुनव्वर ने इन लाइंस में। ये जो कुछ सवाल है वो मुनव्वर फारूकी ने फ्रस्ट्रेशन और एंग्स्ट में पूछा है कि क्या करूं मैं, बताओ, तेरे नाम पे किताब लिख दूं या समंदर में मैं आग लिख दूं, या तूफान में मैं चिराग रख दूं, या जमीन पर बैठ के मैं आसमान लिख दूं। बोल तो सही कि क्या करूं मैं, सब कर सकता हूं मैं। वाह भाई, बहुत शानदार, बहुत कड़क। लिख दूं वो फसाना जो मशहूर है, या लिख दूं वो मोहब्बत जो मजबूर है। लिख दूं फसाना जो मशहूर है, मतलब कि क्या लिखूं मैं, वो फसाना लिख दूं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्या ब्लू है पानी पानी और दिन है सनी सनी लिखे मुनव्वर, या सच्चाई लिखे कि कैसे उसकी मोहब्बत कितनी मजबूर है, कैसे वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहां सिर्फ वो ब्लैकमेल्ड फील कर रहा है और मजबूरी में दिन रात काट रहा है। खुद को जला मत, मेरी राह में मैं खुश हूं इन अंधेरों में, तू बस इन अंधेरों से दूर रह। इतना सब सहने के बाद भी ये बंदा उस लड़की के लिए अच्छा ही बोल रहा है। जब वो लड़की मुनव्वर के साथ गलत करती होगी और मुनव्वर दुखी होता होगा तो वो टॉन्ट करती होगी कि क्या दुखी आत्मा की तरह है, पार्टी कर, चिल कर, क्यों अंधेरे में अपना दिन बर्बाद कर रहा है। तब वो उस लड़की को कह रहा है कि तू खुद मत जल मेरे चक्कर में, तू मस्ती कर, तू मेरे डार्कनेस से दूर रह, मैं खुश हूँ अपने हाल में, तुम टेंशन मत लो मेरी। हेलो डॉक्टर, नॉट एबल टू स्लीप। काम डाउन मुनव्वर, टेक योर मेडिसिंस एंड स्लीप।
आई ऑलरेडी टुक 4। ये सुनकर तो एकदम से घबराहट सी होने लगी यार, डैम मुनाबड़ इतना ये सब कुछ फील कर रहा था अपने अंदर में, उसको एंटी डिप्रेसेंट्स और स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ रहे थे, इतना तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। हमने इतने सारे मुनव्वर के इंटरव्यूज देखे हैं हमने, पर कोई भी इंटरव्यूअर मुनव्वर फारूकी से सही सवाल नहीं कर पाता। आई थिंक मुनव्वर हैज सो मच टू गिफ्ट टू दिस सोसाइटी, उसके साथ एक पूरा 2-3 घंटे का मोटिवेशनल शो बन सकता है जिससे कि मुनव्वर फारूकी बहुत सारे यूथ, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकता है। एनीवे आगे देखते हैं। मरने से पहले यहाँ तेरी कोई कदर करने वाला नहीं। ओह, सो ट्रू, सो ट्रू। पूरी लाइफ जो दोस्त, जो रिलेटिव्स आपको गालियां देते रहते हैं, आपसे जलते रहते हैं, वो आपके मरने पर ऐसे अफसोस जताते हैं कि जैसे जब आप जिंदा थे तो वो कितना ज्यादा आपकी कद्र करते रहे होंगे। सो डैम ट्रू। वक्त बदलने की उम्मीद में बैठा तू, तेरे जैसा कोई सब्र करने वाला नहीं। चलाया खुद को सफर में मैंने, ऐसे ही ये रास्ते उजाला नहीं। सब्र सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में होते हैं ना, वो सिर्फ आप समझ सकते हैं, और उस सिचुएशन में आपसे ज्यादा और कोई भी आपके साथ पेशेंस नहीं रखेगा। सब एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार ये तो दुखी आत्मा है, ये तो डिप्रेशन से निकल नहीं रहा। सब पेशेंस लूज करके चले जाएंगे, बस आपको ही उस समय अपने आप को होल्ड करके रखना पड़ता है। अपने आप को सबसे ज्यादा पेशेंस आपको खुद ही रखना पड़ता है। और आज जो आप मुनव्वर फारूकी के रास्ते में जो उजाले देख रहे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं है। उसके लिए मुनव्वर फारूकी ने अपने सफर में खुद को बहुत जलाया है, तब जाकर आप ये उजाला देख पा रहे हैं। बनाता घर इनके दिलों में मैं रोज ही, जब खुद के घर लौटूं तो कोई फक्र करने वाला नहीं। बनाता घर इनके दिलों में मैं रोज ही, जब खुद के घर लौटूं तो कोई फिक्र करने वाला नहीं। अब क्या ही बोलूं मैं इस पे। मैं जब आप घर लौटते हैं और आपको पता होता है कि आपके जो फिक्र करने वाले आपके माँ बाप आपके घर में नहीं है, तो ये फीलिंग कैसी होती है, सिर्फ और सिर्फ वही बता सकता है जिसने इस फीलिंग को जिया है। हम और आप जिनके माँ बाप अभी जिंदा हैं, वो कैसे ही इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। कर दो जलील इनको आईना दिखा कर, कर दो जलील इनको आईना दिखा कर दे भाई जलील, क्यों ही इतना फेम डिगर्स को इज्जत की रक्षा करना है तुझे, कर दे। जब इन्होंने नहीं सोचा, इन लोगों ने बिल्कुल भी तुम्हारी इज्जत की नहीं सोची, तो तुम इनकी इज्जत की रक्षा करके और डिसेंट बनने की क्या जरूरत है। एटलीस्ट ऐसे फोरम पे, बिग बॉस टाइप के फोरम पे, जहां पर आके तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे दो कौड़ी के लोग इल्जाम लगा रहे थे, तो वहां पर तो जलील कर देना चाहिए था, पूरा कच्चा चट्टा खोल देना चाहिए था। कहते हैं ना, शरीफ की शराफत नहीं जाती और जो लीचड़ होता है उनकी लीचड़ाई नहीं जाती। वो बेवफा नहीं उनका जुदा था रास्ता, वो बेवफा नहीं उनका जुदा था रास्ता। भाई ये तो अब पर्सनल कॉल है, बेवफा कहना है या नहीं कहना है वो आप समझो, लेकिन हम तो फेम डिगर्स कहेंगे भाई इनको। मुमताज जैसे गाने मत लिखा कर, बहना के मुझे बोली तुझे खुदा का वास्ता, बस हो गया मुझे अब गाना नहीं लिखा, सच में नहीं जा रहा ये बहाना नहीं है। जिस दिन रख दिया मैंने अपना दिल उसके आगे, उसकी मर गई भूख, बोली खाना नहीं। मुमताज जैसे गाने नहीं लिखा कर, बहन आकर बोली खुदा का वास्ता, मतलब कि मुनव्वर फारूकी की बहन को भी पता था कि ये अपनी माँ को लेकर ये इतना कुछ सोचता है, और उनकी बहन को लग रहा था कि इसका जो पूरा का पूरा डिप्रेशन और जो मेंटल हेल्थ का इशू है मुनव्वर का, मुनव्वर फारूकी ऑब्वियसली अब हमें सब कुछ सुन के समझ में आ गया है कि वो थेरेपिस्ट के पास भी जाता था, डॉक्टर के पास भी जाता था। तो मुनव्वर की बहन को सिर्फ ये लग रहा था कि इसके पीछे जो माँ का वॉइड है, जो बचपन में जो इसने है ना मुनव्वर फारूकी के हाथ में उसकी माँ ने दम तोड़ा था, उसका ट्रॉमा उसके सिर से नहीं गया है, सिर्फ यही एक रीज़न है जिसके कारण कि वो अभी डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है। तो इसलिए मुनव्वर फारूकी की बहन ने बोला कि इस तरह मुमताज, यानी मुमताज मुनव्वर की माँ थी, उस टाइप के गाना मत लिखा कर ताकि तू और माँ के बारे में सोचे। और यहाँ पे मुनव्वर कहता है बस हो गया अब मुझे गाना नहीं लिखा, सच में नहीं जा रहा ये बहाना नहीं। और सच में जब वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के दौर से जा रहा था, जब बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि कंटेंट कम दे रहा है मुनव्वर, हम लोग बोल तो देते हैं बहुत आराम से मुंह उठा के, भाई कंटेंट दे दे, कंटेंट कम दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में इंसान किस हालात में है, किस इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा है,
आप और हम नहीं जानते हैं। एज ए फैन कंप्लेन करना बहुत आसान होता है, लेकिन उस समय मुनव्वर फारूकी जो बता रहा है कि सच में उससे ना लिखा जा रहा था ना कोई काम हो रहा था उस टाइम पे। जिस दिन रख दिया मैंने अपना दिल उसके सामने, उसकी मर गई भूख बोली खाना नहीं। जिस दिन मुनव्वर फारूकी ने पूरी बात अपनी बहन को बताया कि कैसे वो एक इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जिसके कारण मुनव्वर को अपने रिश्तों से भी दूर होना पड़ा, जिसके कारण वो कितना टॉर्चर हो रहा है, कितना ब्लैकमेल हुआ है वो, उसके बाद उसकी बहन भी जो है वो कहती है कि उसकी भी भूख मर गई, वो भी उस दिन खाई नहीं। जहर को पी के हम नशे में झूमते लिए अंधेरा हाथों में हम चराग ढूंढते, ना कर बहस मुझसे, मैं तंग हूँ खुद से, वफा सीखने के बाद आके मिलूंगा तुझसे। एक चीज नोटिस किया आपने, जो गाना है उसके बैकग्राउंड में आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, वहां पे इसमें इन लाइंस के पीछे एक लड़की जो है, यानी कि मुनव्वर की जो ऑब्वियसली जो फेम डिगर रही होगी वो, और मुनव्वर पे एक लड़की चिल्ला रही है एक लड़के पे, वो पीछे में बैकग्राउंड में है जो कि शैडो में है। आप वो देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। जहर को पी के हम नशे में झूमते लिए अंधेरा हाथों में हम चराग ढूंढते, ना कर बहस मुझसे, मैं तंग हूँ खुद से, वफा सीखने के बाद आके मिलूंगा तुझसे। जहर को पी के हम नशे में झूमते, मतलब वो लड़की जहर थी और इसको मुनव्वर फारूकी फिर भी उस जहर को पी के नशे में झूम रहा था। लिए अंधेरा हाथों में हम चिराग ढूंढते, मतलब कि वो लड़की एक अंधेरा थी लेकिन फिर भी उसको मुनव्वर फारूकी लेके चिराग पूरे जमाने में भी घूमता था और सबको ऐसे दिखाता था कि कोई चिराग ढूंढ रहा है, जबकि वो लड़की खुद अंधेरा थी, उसको उसके साथ कभी चिराग मिलने वाला था ही नहीं। ना कर बहस मुझसे, मैं तंग हूँ खुद से, वफा सीखने के बाद आके मिलूंगा तुझसे। जिस दिन तेरे अकॉर्डिंगली मैं वफा सीख जाऊंगा उस दिन आके मिलूंगा, पर अब मेरी माँ माफ कर दे मुझे। और अब जब मुनव्वर फारूकी इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के एक नए हैप्पी मैरिड लाइफ में है, तो क्या उन फेम डिगर्स का हाल है? वो अब आके मुनव्वर फारूकी से मिल ले, उनके अकॉर्डिंगली मुनव्वर फारूकी ने अगर अब वफा सीख लिया है तो। इल्ज़ाम लगाना बहुत ही आसान काम होता है, लेकिन खुद आप कितने दूर के धुले हो वो आपको पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। He's not picking up his call. I think so, yeah. ये गाना इन टर्म्स ऑफ पोएट्री मुनव्वर फारूकी का वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये गाना इन टर्म्स ऑफ व्यूज बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को वैसे ही गाने पसंद हैं। आज ब्लू है पानी पानी और दिन है सनी सनी, बहुत अच्छी पोएट्री वाले जो गाने हैं, बहुत अच्छी राइटिंग लिरिक्स जिसकी बहुत सॉलिड होती है, वो गाने तो हम कम ही सुनते हैं। आपको गाने के बीट्स वोकल्स पसंद आते हैं नहीं आते हैं वो सब्जेक्टिव है, लेकिन लिखाई के मामले में आप इससे बेहतर बहुत कम लिखा हुआ देखेंगे, ये तो श्योर है। इस गाने में मुनव्वर फारूकी ने अपना पूरा दिल जो है अपने पेन से निकाल दिया है, तो आई होप आपको ये गाना जो है अच्छा लगा होगा। इसको एक से ज़्यादा बार आप सुनिए, एक एक लाइन की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मुनव्वर के लिए प्यार आएगा और बहुत आप कंसर्न भी फील करेंगे कि ये लड़के ने क्या क्या सहा है अपने लाइफ में, और एक रिलेशनशिप में भी, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी क्या क्या इसको सहना पड़ा है। बस और अब क्या बोलूँ, काफ़ी लंबा ऑलरेडी आई थिंक ये वीडियो हो गया, बस अब ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, बस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।